आपको बताएंगे मेरा मनपसंद राम कहानी। मेरा मनपसंद राम कहानी है श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो उसका माता पिता का सेवा करता था। एक दिन उसका माता पिता का आंखें नहीं था। श्रवण कुमार उसका आंखें था। उसका पापा मम्मी एक दिन तीर्थ पर जाना था उसका कवड़िया पूछा बनाने का। वो बड़ाई बोला है वो कल शाम से बन जाएगा। श्रवण कुमार सब तैयारी कर रहा था। कल शाम को उसका माता पिता ले आ जिम उस फॉरेस्ट में ले आया। उस रास्ता में उसका माता पिता को बहुत प्यास लगी। श्रवण कुमार रिवर में जाके पानी मिला। वो पानी उठाकर जा रहा था। फिर दशरथ सुना वो ग्लग ग्लग सुना वो तीर जैसे लगा, इसलिए वो एरो को मार दिया और वो श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार बोला था मेरा माता पिता को पानी दीजिए जी। आप दशरथ देख के बोला प्लीज फॉरगिव मी। फिर श्रवण कुमार मर गया। दशरथ ले आया पानी उसका माँ पिता लगा उसका बेटा नहीं थे श्रवण कुमार। फिर बोला है कौन है ये श्रवण कुमार नहीं है। देन वो बोला है किंग दशरथ है। वो बोला था उसका बेटा को मार दिया। फिर वो बहुत दुखी लगा। फिर वो उसका पानी नहीं पिया। वो एक कर्ज दिया। वो बोला था एक दिन आपको भी होगा ये सेम पनिशमेंट। आपका बेटा भी से मरेगा। और वैसे वैसे मर गया। वो पानी नहीं पी के मर गया। वो भगवान राम के फॉरेस्ट में था और वो दशरथ बहुत उदास होकर मर गया।